जनरल साहब ये बताएं, आपने पार्टी क्यों छोड़ी नवाज लीग? मैं जो कुछ हूं इस वक्त, मैं अपने रैंक की वजह से हूं कि फौज में मैं लेफ्टिनेंट जनरल था। अब एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पर मैं बैठा रहूं, और जब मैं कन्विंस हूं इस बात का कि जो कुछ कहा जा रहा है, जो नारे लगाए जा रहे हैं, उसमें किसी किस्म का फौज का कोई ताल्लुक नहीं है, ना इन्वॉल्वमेंट है। ये जो वर्दी है इसके, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, फलान फलान, इस किस्म की बातें मजलिस में मैं बैठूं और उस मजलिस में फौज के खिलाफ इस किस्म के नारे लगाए जाए, और पाकिस्तान में जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी सियासी लोगों की कमजोरियां हैं, जिसकी खराबियां हैं, जिसकी बदकारियां हैं, हर एक के पीछे फौज का ताल्लुक पैदा किया जाए, मेरे ख्याल में एक बहुत मुश्किल, बड़ी ज्यादती वाली बात है। और फिर मियां साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी उस वक्त उसी जलसे में, जिसके अंदर मैंने फैसला किया कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा, कि अगर पीपल्स पार्टी में भी फौज की मुखालफत होगी तो आप छोड़ देंगे। मैंने कहा हाँ। मुस्लिम लीग नून को खुदा हाफिज क्यों कहा? सीनियर सियासतदान जनरल रिटायर अब्दुल कादिर बलोच ने प्रोग्राम सच्ची बात में बता दिया। कहते हैं नून लीग की कयादत ने कौमी इदारों पर तनकीद की साथ छोड़ दिया। कौमी इदारों पर तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। पीपुल्स पार्टी ने पाक फौज पर तनकीद के साथ तो छोड़ दूंगा। पीपी रहमा की प्रोग्राम सच्ची बात में गुफ्तगू।